नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने बहुत दिनों से कमेंट कर रहा था, उसी कंटेंट के ऊपर उसी टॉपिक के बारे में बातचीत करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहना होगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं इस चैनल के ऊपर कौन सा इस वीडियो के अंदर कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है CDSL। देखिए CDSL आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। तो CDSL के बारे में मैं बहुत बुलिश हूँ, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, क्योंकि इस कंपनी का तो मतलब चार चांद लग गए कि सेबी ने एक नया रूल जारी करने वाला है जल्द से जल्द, कि हर दिन मतलब अभी क्या होता है कि आज मान के चले बाय किया किसी स्टॉक को और आप कल के दिन सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो वो आपका जो शेयर है वो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और डीमेट कौन किसके पास जाएगा, CDSL नहीं तो NSDL के पास। और सबसे ज्यादा कस्टमर किसके पास है, CDSL के पास है। तो मान ही देता हूं कि CDSL के पास जाएगा। अभी सेबी ने नया रूल चालू किया, मतलब चालू करने वाला है, अनाउंसमेंट अभी तक फाइनल नहीं आया, तो जल्द से जल्द आएंगे। कि मान के चलिए इंट्राडे जो लोग ट्रेड करते हैं, मान के चलिए आज सुबह 10 बजे कोई ट्रेड लिया और उस ट्रेड को वो बेच रहे हैं करीबन 12:30 बजे, तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड का मतलब 12 बजे के बाद 12 PM के बाद कोई भी स्टॉक अगर आप बेच रहे हैं तो एक बात को याद रखना, वो स्टॉक डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जब बेचेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको डीमेट अकाउंट को देना पड़ेगा, मतलब CDSL को देना पड़ेगा और NSDL को देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट CDSL और NSDL कमाएंगे। और इसी न्यूज आने के बाद ही स्टॉक के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कहां तक गया। 850 से यहाँ पे क्या रेंज था, यहाँ पे रेंज था करीबन 850 के आसपास, चलो 900 के आसपास था, और आज कहाँ पे है करीबन 1900 के आसपास। तो 900 से 1900 मतलब फंड 2x कर दिया। तो सोचिए कितना बड़ा धमाका रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। और मैंने आपको दो ट्रेड ऐप मेंशन करके रखा था, कुछ दो अलग अलग यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पॉइंट बना था, फाइनल यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और टारगेट यहाँ तक था। देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था और कंपनी के ऊपर मैंने बहुत बार आपको इसको सिखा चुका हूँ, जब भी कोई ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, आपको इतना बड़ा गैप में अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो एंट्री मत लीजिएगा, उसको रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसी लेवल में आएगा, उसके बाद धीरे 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 करके वो टारगेट को अचीव करेगा। देखिए इजिली किस तरीके से टारगेट को अचीव किया, ये तो फर्स्ट एंट्री था। सेकेंड एंट्री एक बड़ा सा एंट्री लेवल था, वो सेकेंड टाइम मैंने इस लेवल को भी आपको साथ मेंशन किया, कफ विद हैंडल पैटर्न्स नहीं, यहाँ पे भी बना शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। हाँ आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन ज्यादा ऊपर हो गया, क्या रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना चाहिए। देखिए ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए इसका टारगेट कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से इस तरीके से कोई भी सिचुएशन आए, अगर इस तरीके से चार्ट पैटर्न के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से चार्ट पैटर्न को सीखकर काम कर रहे हैं, तो मैं जरूर कहूंगा आप हमेशा इस तरीके से एंट्री लेवल जगह पे आप छोटे छोटे मोटे क्वांटिटी ऐड करिए, अगर रिट्रेसमेंट करें तो और भी कुछ क्वांटिटी ऐड करके, जितना मान के चलिए आपको टोटल 50 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करना है, तो उनमें से मैं यही कहूंगा इस लेवल में जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा वहां पे आप 20-25 पर मतलब क्वांटिटीज ऐड करिए, जब नीचे आएगा बाकी 25 क्वांटिटी ऐड करना। अगर नीचे ना भी आए तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 क्वांटिटी से जितना प्रॉफिट होगा तो उतना ही प्रॉफिट ले लेना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको इस तरीके से काम करना होगा, इस तरीके से काम करेंगे तो आपको कभी भी लॉस जो आप जो सोच रहे कि लॉस होंगे, देखिए लॉस कहाँ से होंगे, कंपनी के जो परफॉर्मेंस अच्छा है तो वहां से आपको लॉस होने का चांसेस ही नहीं है। हाँ थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा गिर सकता है, तो इसमें आप पैनिक सिचुएशन करके माल बेच देंगे तो स्टॉक मार्केट से कभी आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। आपको याद रखना है कि मार्केट है, यहाँ पे ये नहीं कि आप रॉकेट नहीं है कि जब भी मैं आग लगा दूं और ऊपर जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो कभी कभी रॉकेट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ही मुंह पे बल पे गिरते हैं और बहुत धमाका होता है, मतलब बहुत बुरी तरीके से धमाका होता है। तो उस तरीके से कंपनी से दूरी रहना मेरे हिसाब से। तो देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस जब अच्छा हुआ, जब सेल्स बढ़ा, कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, आज तक की हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ क्वार्टर में, इतने सालों तक इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था, आज मतलब इस बार कंपनी का इतना शानदार प्रॉफिट हुआ। तो सोचिए जो कंपनी कितना शानदार प्रॉफिट हुआ, या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो
नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए इस कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले कहूंगा, आपके पास अगर CDSL कंपनी का स्टॉक है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके जरूर भेजना आपके कितने क्वांटिटी है और कितने प्राइस में आपने बाय करके रखे हैं। देखिए मेरा काम है सारे चीजों को आपको समझाना, मेरे कोई रिकमेंडेशन का कोई थियोरी नहीं है कि मैं आपको हमेशा रिकमेंडेशन करूं, मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके लॉजिक के हिसाब से करना चाहिए, आपके ओपिनियन के हिसाब से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया उसके बाद सुनकर ही मैं बाय करूंगा सेल करूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा कर उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की एक पुराना और ट्रस्टेड कंपनी है और टाटा मोटर्स का जो टारगेट है कंपनी का एक बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है। वो टारगेट क्या है मैं पहले बता दूं, कंपनी बता रहा है कि कंपनी का अभी जो डेप्थ है वो डेप्थ कितना है 1,27,000 करोड़ के आसपास, अराउंड डेप्थ ऑफ इक्विटी मतलब पर इक्विटी में कंपनी का डेप्थ कितना है 2.5 रुपीज के आसपास, बहुत ज्यादा डेप्थ है मैं मान ही लेता हूँ। कंपनी यही चीज को पहले 6% तक डेप्थ ऑफ इक्विटी हुआ करता था, आज वो तो 2.5% के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी डेप्थ को कम किया, मैं पहले बोल चुका हूँ इसका जो फिक्स्ड एसेट है उस मतलब सॉरी इसका जो रिजर्व है उस रिजर्व को बेचने के बाद इस डेप्थ को कम किया गया है। और कंपनी ये भी बता रहे कि 2025 के अंदर इसका डेप्थ और भी कम करेंगे और 2030 में कंपनी टोटली डेप्थ फ्री बनाकर दिखाएंगे। तो जिस तरीके से डेप्थ कम हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी का कंटिन्यूसली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, कोई भी ऑटो सेक्टर के ऊपर काम कर रहे कोई भी ऑटो सेक्टर के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि उस सेक्टर में जिस तरीके से तेजी आती है उस तरीके से गिरावट भी होने को चांसेस देखने को मिलता है, क्योंकि इकोनॉमिकली मतलब चीज है, इकोनॉमिकली अगर स्लो डाउन हो तो उस कंट्रीज में लोग गाड़ी खरीदारी करेंगे कहां से करेंगे, अगर लोगों को जेब में पैसा ही नहीं हो। मान के चलिए आज इंडिया ग्रोइंग मोड में है और मान के चलिए आज पाकिस्तान का हालत देख लीजिए, मैं कोई मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान का आज हालत देख लीजिए, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, क्या वहां पे गाड़ी ज्यादा बेचेंगे अभी, बिल्कुल नहीं। तो सिचुएशन को समझिए, जब कंट्रीज का डेवलपमेंट होगा तब ऑटो सेक्टर के भी डेवलपमेंट होगा, जब कंट्रीज का हालत खराब होगा तो उस समय में आपको ऑटो सेक्टर में बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिलेगा। इसीलिए 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ा गिरावट देखने को मिला। अभी फिलहाल के लिए टाटा मोटर्स के ऊपर क्या राय है, अभी देखिए राय के बारे में बात करो तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और अलग लेवल का सेल्स का इंक्रीजिंग हुआ और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो आज प्रॉफिट में आ चुके हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी मेजर कर चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है कंपनी में अलग लेवल का मतलब प्रेजेंटेशन देखने को मिला, अलग लेवल का कंपनी रिकवरी भी किए है, इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको जरूर सोचना चाहिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। और रही बात एज ए इन्वेस्टर, देखिए प्रोमोटर के बाद FSGS पब्लिक हर किसी ने होल्डिंग को इंक्रीज किया, मैं अगर इसको साल भर की बात करूं, देखिए FS के पास 23% के आसपास होल्डिंग था 2017 टाइम में, मार्केट बिग क्रैश हुआ था उस टाइम में, देखिए क्या किया इंस्टीट्यूशन, क्या उस टाइम में ही माल खरीदारी किए। देखिए हम लोग गलती कर लेते हैं यहाँ पे, जब शेयर गिरते हैं तब हम लोग बेचते हैं और उसी टाइम में इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, और वो कब बेचते हैं जब मार्केट टॉप लेवल में होता है। तो देखिए आज उसका स्टेक कम है क्योंकि उस टाइम में जो बाय किया गया था अभी वो बेच रहा है और उसी टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं बाय कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो चलते रहेंगे, तो आपको स्मार्ट बनना है, आपको कंपनी के ऊपर जानकारी लेकर काम करना है। देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज का म्यूचुअल फंड के जो मतलब लास्ट कुछ फ्यू डेज का टाटा मोटर्स के, चलो एक बार टाटा मोटर्स के एक बार में ओपनिंग भी कर देता हूँ और इस डेटा को आपको मैं दिखा दूं। तो देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर किस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रहा है, हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो मतलब पिछले दिनों में तो करीबन 60% तक डिलीवरी उठाया गया, तो इतना हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी इसीलिए उठा जा रहा है क्योंकि टाटा मोटर्स का जो आईपीओ भी आने वाला है, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसका फंड रेज किया जा रहा है केवल देखा जाए तो टाटा मोटर्स के मतलब ऊपर बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, क्योंकि टाटा मोटर्स का टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उससे वो कुछ स्टेक बेच रहा है और उस पैसे से टाटा मोटर्स का ग्रोथ और भी कराने वाला है। तो कहने का मतलब है कि अपकमिंग टाइम्स में टाटा मोटर्स का ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ने का चांसेस है क्योंकि ईवी सेगमेंट में कंपनी अलग लेवल का काम कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने आपको लेवल मेंशन करके दिया था एज ए एजुकेशन पर्पस में, स्टडी करने के लिए कि आप एक शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। तो आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो तब आपको पता है कि मैं जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न क्रिएट होता है, जब पैटर्न कंप्लीट भी ना हो तब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपको हमेशा
मैं फर्स्ट से लास्ट टाइम तक आपको उसके ऊपर चर्चा करता रहूं कि आपको कन्वेक्शन मिले कि हाँ इस तरीके से पैटर्न सब बनता है, उसमें कितना पोटेंशियल है कि हाँ उसमें प्रॉफिट मिलेगा करके। देखिए ऐसे नहीं कि 100% ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर देखिए मैंने मान के चले 10 स्टॉक बाय करके रखा, उनमें से अगर 7 स्टॉक भी मुझे प्रॉफिट दे तो भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहूंगा, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर रहूंगा। तो कहने का मतलब है आपको इस चीजों को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस होना चाहिए और सीखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, लोगों को बात सुनकर ही टिप्स लेकर काम करते हैं। मैं कभी भी टिप्स नहीं दिया, आज तक मैंने टिप्स नहीं दिया और मैं कभी दूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना। सीख कर काम करिए। जो चीज में लाखों खर्चा करके सीखा हो और इतने सालों के एक्सपीरियंस, इतने सालों तक बैक टेस्टिंग किया हो और उसके बाद काम स्टार्ट किया हो, उसी तरीके से आप भी सीखिए। आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो और जिसका वीडियो आपको अच्छा लगता है उसका वीडियो देखिए, सीखिए, प्लीज सीखिए। तो देखिए किस तरीके से आप टारगेट के आसपास गया और इजिली वो टारगेट के नजदीक है, कभी ना कभी वो टारगेट अचीव करेंगे। और टारगेट अगर बनेगा तो 30% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो क्या आपके पास टाटा मोटर्स शेयर है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL, जिसके ऊपर मैं पिछले वीडियो में आपको शेयर किया था कि IGL के ऊपर जो भारी भरकम गिरावट हुआ, बिग क्रैश देखने को मिला, उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बड़ा अपडेट सामने अनाउंसमेंट कर दिया कि ईवी सेगमेंट मार्केट में अभी राज करेगा और वो ईवी प्रोजेक्ट के ऊपर और साथ ही साथ ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा ज्यादा फोकस रखेंगे। अभी सोचिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो कंपनी का एक्चुअली हम देखा जाए तो जिसका एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या है आप देखेंगे तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो पीएनजी के ऊपर और सीएनजी के ऊपर, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर। तो सोचिए पीएनजी और सीएनजी का प्रोडक्ट कहाँ पे लगता है, चारों सारा गाड़ियों में यूज किया जाता है। तो जब सारे के सारे चीज ईवीज में हो जाएगा, आज सोलर का मतलब कुकिंग जो गैस है वो बंद हो रहा है और सोलर कुकिंग ओवेंस भी यहाँ पे मार्केट में आ चुके हैं, तो सोचिए गैस का जो डिमांड है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। ऐसे आप मत समझ लेना कि कल ही बंद हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसका डिमांड हमेशा रहेंगे और फ्यूचर में भी रहेंगे। हाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा कि, और अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से न्यूज अपडेट आने के कारण मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। हर किसी को लगता है कि कंपनी आज बर्बाद हो जाएगा, तो इसके लिए कंपनी के ऊपर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बना है। तो प्रेशराइज इसीलिए बना है, मगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो आपको सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 1800 करोड़ से बल्कि हो चुके थे 3500 करोड़, उसके बाद इस बार 3400 करोड़। तो सेल्स भी कंपनी, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, इसलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 308 करोड़ से बढ़के हो चुके थे 400 करोड़, उससे बढ़के हो चुके 416 करोड़, उससे बढ़के हो चुके 535 करोड़। इसका मतलब अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कुछ अलग लेवल का, अलग तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो मुझे लगता है कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FISDS पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा, चाहे वो FIS हो, चाहे वो DIS हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। अगर कंपनी में खराबी होता तो इंस्टीट्यूशन पहले ही माल बेचकर भाग जाता। तो इस तरीके से पैनिक सिचुएशन जब क्रिएट किया जाता है मार्केट में, दो कारण के वजह से, बड़े प्लेयर्स को माल खरीदना है और वो हमेशा सस्ते दाम में माल खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट फैलाया और उसके बाद मार्केट को नीचे लेके आए और यहाँ से बाय करना स्टार्ट किया, फिर से मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर यही चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूं आप देखेंगे तो किस तरीके से मार्केट के ऊपर यहाँ पे बिग करेक्शन देखने को मिला। देखिए मैंने एक लेवल आपको मेंशन करके दिया था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर केड हुआ, उसके बाद देखिए 3 बार शोल्डर केड हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और कंफर्मेशन होने के बाद टारगेट भी अचीव हुआ। और मैं पहले भी एक लेवल आपको मेंशन करके रखा था, यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखिए बाइंग कैंडल बना, और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए बाइंग कैंडल यहाँ पे बना है और बाइंग कैंडल बनने के बाद यहाँ पे 24% का यहाँ पे बाइंग कैंडल बना। और जब भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, यहाँ पे लो रेंज को टच करेगा, यहाँ पे एंट्री बनेगा और ऊपर साइड में इसका टारगेट बनेगा, मतलब टारगेट इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से पैटर्न्स को मैं बहुत बार यूज करके काम किया हूँ, और जब जब इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर टारगेट हुआ, एंट्री बना, तो मैं आपके साथ शेयर भी किया, क्योंकि देखिए मेरा काम है आपको सारी चीजों को सिखाना। तो आप सीख कर काम करिए और वीडियो में अगर कोई जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक भी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया आप सभी जानते हैं एक बेबी फूड इंडस्ट्रीज की लीडर कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे मतलब
बहुत सारे कंट्रीज ने इसके ऊपर बहुत सारे बैंड्स को मतलब प्रोडक्ट को बैंड भी कर दिया, और आज इंडिया में मैगी के ऊपर भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, वो भी हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उसको किसी ना किसी तरीके से उसको छुड़वा ही लेता है। और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। तो स्प्लिट के लिए तैयार रहेगा, जब अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नितिन एक्स वीडियो में, तब तक अच्छे से अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।